जिन इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, ज्ञान बापी मामले में सुनवाई जा रही है। आपको बता दें कि एएसआई ने बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस बीच आपको बता दें दूसरी बड़ी खबर यही है कि मथुरा शाही ईदगाह मामले में सुनवाई फिलहाल जारी है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं आज एएसआई की तरफ से सीलबंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट को दाखिल करना था, कोर्ट में ये रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है। और इस बीच ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, ज्ञान बापी मामले में क्या रिपोर्ट दाखिल कर ली गई है अब तक? जी बिल्कुल, एएसआई ने रिपोर्ट दायर कर दी है। 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी और तब तक इस रिपोर्ट को बाहर नहीं किया जाएगा, बाहर कोई इसको नहीं किया जाएगा, इस पर चर्चाएं नहीं होंगी। दरअसल मुस्लिम पक्षकार की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई थी कि इस रिपोर्ट को बाहर नहीं किया जाएगा। हमारे साथ एएसआई के वकील मौजूद है। सर, क्या कुछ रहा कोर्ट में? आज हमने जो ज्ञानवापी में सर्वे किया था, उस सर्वे का पूरा विस्तृत रिपोर्ट हमने सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया ताकि उसमें से कोई चीजें बाहर लीक ना हो। अब कोर्ट के उस पर हो गई कि अब कोर्ट उसको सील कर, अब कोई तरह से सील खोलेगा या जो करेगा। हमने कोर्ट में दाखिल कर दिया, जो कि हमको आज मिला हुआ था, लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई थी कोर्ट में दाखिल करने के लिए, तो हमने उसको दाखिल किया। 21 दिसंबर को अगली सुनवाई है, तब तक ये सीलबंद लिफाफा जो है उसको खोला नहीं जाएगा। कोर्ट फैसला लेगा कि कौन दिखाएगा नहीं दिखाएगा। 21 की डेट लगाई गई है कोर्ट ने, माननीय जिला जज ने कहा है कि 21 तारीख को इस एप्लीकेशन पे कि अभी मंदिर पक्ष की तरफ से एप्लीकेशन पड़ी थी कि ये सीलबंद लिफाफे में दाखिल नहीं किया जा सकता, तो उस पर जो भी फैसला होगा, अगर कोर्ट अगर ऑर्डर करती है, उनके एप्लीकेशन को अलाउ करती है, तो लिफाफा खोला जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने पेज का है ये टोटल? क्या पेज रिपोर्ट बल्कि है, पेज उसमें काउंट नहीं किया जा सकता इस समय अभी, क्योंकि हमने सीलबंद लिफाफे में दिया हुआ है। 1000 से ज्यादा पन्नों का है? हो सकता है 1000 से ज्यादा पन्नों का। अब 21 तारीख को आपको आके यहाँ पर 21 को हियरिंग होगी, 21 में ये चीजें बताई जाएंगी आपको। 21 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। 1000 से ज्यादा पन्नों का है, 1000 से ज्यादा पन्नों का है। हिंदुओं पर साथ हिंदू पक्षकार के वकील विष्णु शंकर जी, जो उनसे भी हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। विष्णु शंकर जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 1000 पन्नों से ज्यादा का है, जैसा कि न्यूज 18 इंडिया लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था। और विष्णु शंकर जैन जो है इस वक्त यहाँ पर है। अब अगली सुनवाई 21 दिसंबर को, ये एकदम गलत है, ये कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ही सारी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी के केस में जजमेंट दिया है दैट सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, और आजकल को कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव टेलीकास्ट हो रही है, और आप कह रहे हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लोगों से छुपाई जाए, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट का वायलेशन है। और मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता है कि रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आए, और उस जब पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आएगी तो उनका जो झूठ है वो साबित हो जाएगा। आप लोग मैंने आज कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है, और मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके कहा है कि रिपोर्ट की कॉपी मुझे ईमेल आईडी पे मेरे प्रोवाइड की जाए, और माननीय न्यायालय इस पे 21 तारीख को सुनवाई करेगी। नहीं, कोर्ट ने कहा कि 21 तारीख तक कोई इस रिपोर्ट का ना दिखाए। जब रिपोर्ट ही सील कवर में फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन में, तो दिखाएंगे कैसे? ठीक है। मुस्लिम पक्षकार ने और क्या कहा? नहीं, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट नहीं दिखानी चाहिए, रिपोर्ट सील कवर में नहीं दिखानी चाहिए, रिपोर्ट किसी को नहीं दिखानी चाहिए, पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, और इस रिपोर्ट के बारे में जो मीडिया को लीक करे या मीडिया को जो रिपोर्ट दिखाए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनका यही कहना है कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से रिपोर्ट लोगों के सामने आए। 21 तारीख से पहले क्या आप हायर कोर्ट जाएंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट? नहीं नहीं, हम कोर्ट की हियरिंग का वेट करेंगे, और हम पूरा वेट करेंगे। 21 तारीख को हो सकता है सील कवर खोल दिया जाए, पर जो आज सील कवर में फाइल किया गया रिपोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन। ठीक है। तो ये थे विष्णु शंकर जैन, हिंदू पक्षकार के वकील, जिनका साफ साफ ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्षकार ने एफिडेविट फाइल की, ऑब्जेक्शन फाइल किया कि इस रिपोर्ट को बाहर नहीं निकाला जाए, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन के खिलाफ है। बहरहाल 21 दिसंबर को इस मुस्लिम पक्षकार के आपत्ति पर कोर्ट सुनवाई करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ विष्णु शंकर जैन की तरफ से भी एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव किया गया है कि उन्हें ईमेल पर इस पूरी रिपोर्ट को भेजा जाए, जिस पर कोर्ट 21 तारीख को सुनवाई करेगा। यह तो साफ है कि जो सीलबंद लिफाफे में एएसआई ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है, उससे फिलहाल ना ही हिंदू पक्षकार देख सकते हैं, ना ही मुस्लिम पक्षकार देख सकते हैं।
फिलहाल कोर्ट के पास है, जाहिर तौर पे जज साहब उसको पढ़ पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से एएसआई के वकीलों से मेरी बातचीत हुई है, उनका साफ साफ ये कहना है कि काफ़ी मोटी फाइल है, 1000 पन्नों से ज़्यादा की रिपोर्ट है। तो जाहिर तौर पर 21 तारीख को जब सुनवाई होती है तो कोर्ट का क्या रुख होगा। लेकिन जिसको हर किसी को इंतजार था, 100 दिनों से ज़्यादा एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर सर्वे किया और उसके बाद 21 तारीख को देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ होता है। लेकिन एक बार दर्शकों को फिर से हम बता देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई हुई है। एएसआई ने कोर्ट में सीलबंद सर्वे रिपोर्ट, जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है, जो साक्ष्य जुटाए गए हैं, वो सीलबंद लिफाफे में आज रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को सौंप दी गई है। अब कोर्ट के पास वो रिपोर्ट है, सीलबंद लिफाफे में दी गई है। 21 दिसंबर को इस पूरे मामले की एक बार फिर से सुनवाई होगी। अब जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहा है। और अमित, अभी फिलहाल जानकारी यही मिल पा रही है कि 21 तारीख तक अब इस रिपोर्ट दाखिल हो गया। हम लोग इसको ओपन जा रहे थे कि ये मतलब सब खुले पब्लिक में, इसको खोला कि पब्लिक में खोला जाए। एसआई वाले ने सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया है कि उसका सील बंद की करके जमा किए, लेकिन सील बंद करके नहीं जमा करना चाहिए था। मुस्लिम पक्षकार के तरफ से आपत्ति भी दायर किया गया मुस्लिम पक्षकार की तरफ से कि आप इसको खोल के ओपन में इसको ना देखिए। उनको डर है, क्यों नहीं दिखाया जाए, सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए वो डर रहे हैं। क्यों जो हमारे साथ सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है। वाराणसी जिला कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है और अब 21 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि ये जो सीलबंद रिपोर्ट है वो किसी के भी सामने जाहिर ना की जाए। लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है, दरअसल ये एक कॉपी मुझे मेरे मेल पर भी देनी चाहिए और ये आखिर गुप्त क्यों रखी जाए जब सर्वे सामने आ चुका है जिस पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी, तो उसे गुप्त रखने का कोई औचित्य नहीं है। हिंदू पक्ष ने नाखुशी जाहिर की है। लेकिन यह भी कहा गया हिंदू पक्ष की ओर से कि हम इस पर कहीं हायर कोर्ट में जाकर अपील नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अगर तारीख 21 तारीख दी गई है तब तक हम इंतजार करेंगे और हो सकता है कि कोर्ट ही इस तरह की मुस्लिम पक्ष की अर्जी को गैर वाजिब माने और इस सीलबंद लिफाफे को खोल दे और सबके सामने जाहिर करे कि एसआई ने अपनी सर्वे में क्या पाया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, ज्ञानवापी परिसर को लेकर के जो सर्वे हुआ, श्रृंगार गौरी की पूजन अर्चन को लेकर के जो मांग की गई उसे लेकर के अब सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है, बंद लिफाफे में कोर्ट में दाखिल की गई है। मुस्लिम पक्ष ने अर्जी लगाई कि इसे जाहिर ना किया जाए, बंद लिफाफे को सभी के लिए ना खोला जाए, इसकी जानकारी ना दी जाए कि एएसआई ने क्या सर्वे किया है। यह एक बड़ी खबर है। हालांकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि यह नियमों का उल्लंघन है और ये बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे एसआई ने अब रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन वहीं एक और बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पहले विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई की गई और कोर्ट ने सर्वे की तारीख और तरीके दोनों को पक्षों को सुना है और इसके बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर को पिछली सुनवाई पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल अर्जी मंजूर कर ली थी और किसी भी तरह से इस पूरे मामले में रोक से इनकार कर दिया और इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। जबकि हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि ये सर्वे करवाया जा सकता है, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों की ओर से दलीलें सुनी गई है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। ये एक बेहद अहम खबर भी है, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ यह विवाद और यहां पर मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी है और विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे करवाए जाने को इजाजत दी गई, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, कब यह सर्वे शुरू किया जाएगा, इस बात को लेकर दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी। मुस्लिम पक्ष जहां इसका विरोध करता रहा, वहीं हिंदू पक्ष ने अपनी बातें रखी है और ऐसे में यूपी सुन्नी सेंट्रल बार बोर्ड एक पक्षकार के तौर पर है, उसने अपनी बात रखी है। वहीं दूसरा पक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, जिन्होंने इस बात पर अपनी लगातार इच्छा जाहिर की कि इसका सर्वे करवाया जाए। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब यह फैसला सुरक्षित रखा गया है,
कब तक यह जाहिर किया जा सकता है, किन किन बातों पर विचार किया गया, किस पर जिरह हुई? देखिए, जाहिर तौर पर हिंदू पक्षकार हो या फिर मुस्लिम पक्षकार हो, हिंदू पक्षकार अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। ज्ञानवापी के तर्ज में ही वो चाह रहे थे कि मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी लगातार वहाँ पर जिस तरीके से ज्ञानवापी पे कोर्ट कमिश्नर आए, उसी तरीके से वहाँ पर भी कोर्ट कमिश्नर के जरिए मथुरा में भी वहाँ पर सर्वे हो। जाहिर तौर पर इसका विरोध मुस्लिम पक्षकार की तरफ से किया गया था, लेकिन दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जाहिर तौर पर देखना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, लेकिन एक बात तो एकदम तय है कि जरूर कोर्ट कमिश्नर जो है वो जाएंगे, वो रुक करेंगे मतलब विवादित जमीन की तरफ। वकील क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, वकीलों का क्या कहना है, ये भी दर्शकों को सुनाते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय के द्वारा एक अद्भुत फैसला बिगर डेट में किया गया था और आज माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ रहेंगे उनके नाम आज ओपन हो जाएंगे कि कौन कोर्ट कमिश्नर मथुरा जाएंगे और उसकी वस्तु स्थिति है उसकी वीडियोग्राफी करके लाएंगे, फोटोग्राफी करके लाएंगे और वहाँ की जो रिपोर्ट है वो माननीय न्यायालय में सबमिट करेंगे। और इसके साथ साथ ही टाइम बाउंड कर दिया जाएगा, आज डेट्स भी निर्धारित हो जाएंगी कि कब वो वहाँ जाएंगे, कब वो वहाँ सर्वे करेंगे और कब तक अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये स्थिति आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और ये रिपोर्ट इस केस के लिए बैकबोन साबित होगी, क्योंकि इस केस के आधार पर ही आगे की कार्रवाई चलेगी और इसके साथ ही ASI सर्वे की भी हम आगे नेक्स्ट स्टेप पर मांग करेंगे।